अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंटर एंड वेलकम बैक दी मैथ क्लास। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रॉब्लम किए थे, तो आज उससे अगले वाले जो प्रॉब्लम होंगे वो करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर जो हमारे पास दे रहा है 18, प्रॉब्लम नंबर जो 18 है हमारे पास गिवन है। प्रॉब्लम नंबर 18 के अंदर कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, If A, B, C are three collinear points। अब collinear का मतलब क्या होता है, कुछ लाइन ऑन द सेम लाइन, ठीक है। तो A, B are represented by A and B are टेड बाय, अब ए बी किसके बराबर दे रहा है, 3,4 एंड 7,7। देन फाइंड द एंड ए सी, द मेजरमेंट ऑफ ए सी विच इज इक्वल 10 यूनिट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफ सी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीन पॉइंट दे रहा है, वो चला है अंदर सेम लाइन एंड ए वर्टेक्स ए पॉइंट विच इज इक्वल टू 3,4 एंड सी बी पॉइंट विच इज इक्वल टू 7,7। फॉर ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी पॉइंट इज 10 यूनिट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। मतलब थ्री पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब वैल्यू मालूम हमें करने हैं। तो वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास कि सॉल्यूशन, अब देखो जिस कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम देगा उस कंडीशन के हिसाब से उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो एस लेट सी बी कोऑर्डिनेट्स आर एक्स का मा वाई ले लो, ए का मा बी ले लो, जो भी लेना है ले लो, जो भी वैल्यू आपको सही लगे वो हम उसके सपोजिशन के हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये ए वो चार गिवन बाय, ए किसके बराबर दे रहा है हमारे पास 3,4, ये बी वो चीज गिवन बाय 7,7 एंड ये सी विच इज गिवन बाय एक्स कॉमा वाई, जो सपोजिशन के बराबर लिए थे। फॉर ऑल ए सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर दे रहा है हमारे पास, ए सी वो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू किसके बराबर 10 यूनिट्स, किसके बराबर 10 यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर कंडीशन क्या होती है, ए सी किसके बराबर होता है, ए बी प्लस बी सी के हिसाब से। तो कंडीशन निकालो, तो यहाँ से कंडीशन निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या होती है कि बी सी डिस्टेंस किसके बराबर लेंगे, तो कंडीशन निकालो। सॉल्यूशन किया हुआ है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब ये जो वैल्यू निकलेंगी डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से निकलेगी, फर्स्ट ए सी डिस्टेंस मुझ से इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ए सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला मुझे इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट। तो ए सी डिस्टेंस मुझे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एक्स टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर, ये इसका स्क्वायर। एस ए सी विच इज इक्वल किसके बराबर 10 यूनिट्स, तो ए सी की जगह पर 10 पुट करो, 10 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर, ये अंडर रूट सेम। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर। तो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, तो 10 का स्क्वायर 100 विच इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। और इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं,
तो x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। तो ए फोर होल स्क्वायर। तो आज सिंप्लीफाई करो तो कंडीशन क्या मिलेगी कि a माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, एज a माइनस बी होल स्क्वायर जो बराबर था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर किसके, x के, तो एस स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर टू द एट वाई प्लस सिक्सटीन विच इज इक्वल 100। तो कंडीशन बनाओ एक्स स्क्वायर सेम प्लस वाई स्क्वायर सेम माइनस सिक्स एक्स। ये देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिक्स एक्स माइनस का ये माइनस का एट वाई, ये प्लस का नाइन प्लस का सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव विच इज इक्वल 100। तो ये कंडीशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई विच इज इक्वल 100 माइनस 25, ये प्लस का उधर गया माइनस का। तो कंडीशन क्या बनी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई विच इज इक्वल 75। ये बन गए हमारी इक्वेशन नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर ए बन गई। अब क्या बनानी है इक्वेशन नंबर टू। अगर इक्वेशन नंबर टू बन गई तो फिर क्या होगा, एक्स और वाई की इजीली मेथड के तरीके से इजीली वे के हिसाब से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एज ए सी डिस्टेंस विच इज इक्वल किसके बराबर होता है, बी सी ओ ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस। तो ए सी डिस्टेंस की वैल्यू है तो फर्स्ट क्या, ए बी, ए बी डिस्टेंस, एज डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर था, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस, ये होगी हमारी बात इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर बी बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर इसका स्क्वायर। सो ए बराबर किसके दे रहा है, थ्री कामा फोर, और बी बराबर किसके दे रहा है, सेवन कामा सेवन। तो वैल्यू पुट करो, ए बी वो चेज इक्वल टू किसके बराबर होगा हमारे पास, थ्री कामा फोर, तो ये क्या एक्स वन वाई वन, तो सेवन माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फोर होल स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो ए बी किसके बराबर होगा, सेवन माइनस थ्री फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सेवन माइनस फोर तो थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन। तो ये इसका सम करेंगे तो ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर क्या निकलेगा, फाइव। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर निकला, फाइव के। नाउ अब क्या निकालेंगे, बी सी डिस्टेंस। सो बी बराबर किसके दे रहा है, सेवन कामा सेवन, एंड सी बराबर किसके दे रहा है, एक्स कामा वाई। तो आज सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला सेम, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर इसका स्क्वायर। सो बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल एक्स टू, मतलब क्या, एक्स माइनस सेवन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सेवन होल स्क्वायर। तो बी सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये स्क्वायर रूट से, तो विच इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई प्लस फोर्टी नाइन, ये इसका स्क्वायर रूट से। अब क्या होगा, नाउ पुट दी वैल्यू, या इसको ऐसे कर सकते हैं, बी सी डिस्टेंस विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई माइनस फोर्टीन ओ माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन वाई प्लस फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन तो नाइन्टी एट, ये इसका स्क्वायर रूट से। नाउ पुट दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन क्या थी, ए सी, ए सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन यूनिट। तो टेन विच इज इक्वल टू ए बी, ए बी का डिस्टेंस क्या निकला, फाइव प्लस इसका, और बी सी किसके बराबर निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन वाई माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन वाई प्लस नाइन्टी एट, ये इसका रूट से। सिंप्लीफाई करो, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो टेन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन वाई प्लस नाइन्टी एट। तो फाइव विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स माइनस फोर्टीन वाई प्लस नाइन्टी एट, स्क्वायर रूट सेवन।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14y प्लस 98। सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14y प्लस 98 विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14y विच इज इक्वल 25 माइनस 98। सो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14y विच इज इक्वल टू 98 में से 25 गया, 8 में से 5 गए तो क्या 3, 9 में से 2 तो 7, माइनस के 73। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर बी, ये क्या बन गई हमारे इक्वेशन नंबर बी। अब क्या करना है, अब करना है सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन नंबर बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक्स की वैल्यू निकल गई या वाई की निकल गई तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, तो एक्स की निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये है हमारे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर में। अब लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि जस्ट क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन को एक हाईएस्ट जो वेरिएबल वाले कोएफिशिएंट है वो ख़त्म करने, तो हाईएस्ट वेरिएबल जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब ख़त्म कैसे होंगे, ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ख़त्म कब होंगे जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, किसमें से का माइनस करने इक्वेशन नंबर ए में से। तो इक्वेशन नंबर ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y विच इज इक्वल टू 75। तो इक्वेशन नंबर बी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14y विच इज इक्वल माइनस 73। तो सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का 14 माइनस का 6 है, तो क्या बचा प्लस का 8, प्लस का 14 प्लस का माइनस का 8, तो क्या बचा प्लस 6y विच इज इक्वल टू 73, प्लस का 78, तो क्या बचा 5 और 3 8 77 40। अब दोनों में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकालो तो क्या बचा यहाँ पे 4x प्लस 3y विच इज इक्वल 148, तो 2 की 1 टाइम यहाँ पे 74 टाइम, तो 4x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 74। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल तभी एज यू विश, अगर x की निकाले तभी हमारी मर्जी, तो y की निकालते हैं तो 3y विच इज इक्वल टू 74 माइनस 4x, तो y बराबर किसके होगा 74 माइनस 4x अपॉन में 3। ये क्या बनी हमारी, ये बन गई इक्वेशन नंबर सी, तो इक्वेशन नंबर सी बन गई। अब जब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए के अंदर या इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, x की निकल गई और तो इक्वेशन नंबर सी के अंदर पुट करेंगे तो y की निकलेगी। अब क्या करना है, यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर ए, तो इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट करो, तो इक्वेशन नंबर ए यहाँ से मिटा देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर ए जो है हमारी, तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या दे रहा है, हमारे पास इक्वेशन नंबर ए दे रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y विच इज इक्वल टू 75। तो वैल्यू पुट करो तो एक्स स्क्वायर सेम प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह भी क्या पुट करना है 74 माइनस 4x अपॉन में क्या होगा 3, ये होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 वाई की जगह भी क्या 74 माइनस 4x अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 75 सेम। आज सिंपलीफाई करो तो ये एक्स स्क्वायर सेम प्लस 74, ये जो स्क्वायर है 74 माइनस 4x अपॉन में 3, ये इसका स्क्वायर
थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स एम माइनस एट जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो एट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो फोर एट दा 32, टू थ्री गया ऊपर, सेवन फोर 74, तो 74 मल्टीप्लाई बाय एट, चार अठा बटी टे बया मथे सठ अठा छावंजा छावंजा टे 59, तो 592 क्या आंसर आया, 592 माइनस अपान में ये, क्योंकि ये माइनस सेम ही रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस फोर को जब एट से मल्टीप्लाई तो 32 एक्स अपान में 3 सेम वच इज इक्वल टू 79। तो आज सिंप्लीफाई करो अगेन, यहाँ पे कंडीशन कौन सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर से प्लस, तो ए स्क्वायर एज ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए किसके बराबर 74, तो 74 का स्क्वायर करेंगे तो 74 मल्टीप्लाई बाय 74, तो 44 था 16, 1 गया ऊपर, तो 74 था 28, 28 और 1 29, तो 74 था 28, 8 2 गया ऊपर, 77 था 49, 49 प्लस 2 तो 51, तो 6 9 और 8 17, तो ये 4 ये 5, तो रिजल्ट क्या आया 5479 माइनस, आगे सिंप्लीफाई करो तो कंडीशन क्या थी हमारे पास, 2AB। अब 2AB का मतलब क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई 8, 8 8 को 74 से मल्टीप्लाई, 74 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या था बटरी है 3 गया मत 7 8 था 56, 56 और 3 59, क्या कंडीशन बनी हमारे पास 592 एक्स अपान में क्या हो बना ओ प्लस 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर अपान में क्या बना 3 का स्क्वायर 9। तो आ जाओ, तो माइनस 6 एक्स एम माइनस 592 माइनस 32 एक्स अपान में 3 बच्चे इक्वल 79। अब क्या करना है एलसीएम, अब इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है और इसके नीचे भी 1 है, अगर एलसीएम निकालें तो इनकी एलसीएम क्या निकलेगी हमारी 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये सेम 5476 माइनस 592 एक्स प्लस 16 एक्स स्क्वायर सेम 1 है, तो 1 का 1 की एलसीएम ने क्या होगी 1 और 9 की एलसीएम 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो क्या रिजल्ट आएगा 69 था 54 माइनस 54x माइनस जो है वो इन दोनों से भी मल्टीप्लाई 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से तो क्या होगा 3 2 था 6 3 9 था 27 2 गया ऊपर 5 3 था 15 15 और 2 17 माइनस का ये माइनस माइनस प्लस 3 जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 3 3 2 था 6 3 3 था 9 93 79। अब ये जो 9 है उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 9 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर तो क्या बना 25 एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या ये प्लस एक्स के साथ करो तो ये 592 माइनस का ये भी माइनस का क्या 17 ये 96 प्लस का ये माइनस का 54 तो रिज़ल्ट क्या आएगा करो सिंप्लीफाई अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा 550 ए फाइव 92 माइनस का 54 माइनस का दोनों को सम करो 6 से 9 और से 16 मन ऊपर गया ये 6 तो क्या माइनस का 60 666 इसमें से 96 से माइनस करो तो ये क्या बचा 0 1 इधर क्या बना 16 16 में से 9 क्या 5 तो रिजल्ट क्या बना माइनस का 550 तो ये कंडीशन क्या बनी हमारे पास माइनस 550x। तो अब यहाँ पे ये प्लस का 5000
5476 ये माइनस का 1776। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5476 में से माइनस करो 1776, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 0 1, इधर 14 14 में से 7 गए तो रिमेनिंग क्या बचे, 7, यहाँ पे क्या बचा, 4 4 में से बन गया 3, रिजल्ट क्या है, 3700। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, प्लस 3700 व्हिच इज इक्वल टू 79 मल्टीप्लाई बाय, ये 9 इधर डिवाइड उधर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9। तो आ जाओ सिंप्लीफाई करो, 25x² - 550x + 3700 व्हिच इज इक्वल टू, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 81, ऊपर गया 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 7 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 7 9 63 63 प्लस 8, तो 63 में से प्लस करो 8 तो क्या बना हमारे पास, 71, तो 71। तो आज जो सिंप्लीफाई करो तो रिजल्ट कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, तो ये फर्स्ट ये रिमेनिंग दूसरा वो, और ये सिंप्लीफाई करें तो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, ये प्लस का इस साइड लेके आएंगे नेगेटिव का, तो 25x² - 550x + 7300 -711 व्हिच इज इक्वल टू 0। अगर रिजल्ट क्या बचेगा हमारे पास, 3025। ओ यहाँ पर क्या है हमारे पास, 75 है, तो 75 75, तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 9 45, 4 गया ऊपर, 7 9 63 63 प्लस 4, तो 60 क्या होगा, 63 प्लस 67, तो ये क्या बना हमारे पास, -675 व्हिच इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन बनाओ, तो ये कंडीशन क्या बनी हमारे पास, तो 25x² - 5550x अगर इन दोनों में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 3075। तो 3000 प्लस 3075 75 व्हिच इज इक्वल टू 0। 25 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचा, एक्सेस का, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 22x 2x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 121 व्हिच इज इक्वल 0। तो x² - 22x + 121 व्हिच इज 0। अब ये होल स्क्वायर के हिसाब से कंडीशन बन रही है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, x - 11 होल स्क्वायर व्हिच इज 0। तो x - 11 व्हिच इज इक्वल 0, क्योंकि स्क्वायर रूट देंगे दोनों साइड तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो x बराबर किसके आ गई, 11 के, x की वैल्यू आ गई 11। अब x की जो वैल्यू आई वो किसके अंदर पुट करनी है, वो पुट इन इक्वेशन नंबर सी, पुट द वैल्यू ऑफ
एक्स है एंड इक्वेशन नंबर सी। तो इक्वेशन नंबर सी के अंदर पुट अप करो, तो इक्वेशन नंबर सी क्या थी, वाई विच इज इक्वल टू 74 माइनस 4x अपान में 3, तो y बराबर किसके होगा 74 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 11 अपान में 3। तो y की वैल्यू निकालो, तो y बराबर किसके होगा, y विच इज इक्वल टू 74 माइनस 44 अपान में 3 y विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4 तो 30 अपॉन में 3, 3 की 1 टाइम यहाँ पे 10 टाइम, तो y बराबर किसके हो गया 10 की, y की भी वैल्यू आ गई और x की भी आ गई। सो c कोऑर्डिनेट विच इज इक्वल x कामा y, तो c बराबर किसके होगा x 11 कामा 10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c, द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 11 कामा 10। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा आंसर निकलेगा, ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2.2 का 18 नंबर प्रॉब्लम। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम वो आप घर पर ट्राई करो, बकाया जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।